गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिकम सेमेस्टर 3 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आपके न्यू सिलेबस में आपका चैप्टर है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट्स के वीडियो चैनल पर है और जितने भी वीडियोस हैं, मुझे पता है ज़्यादा वीडियो नहीं है बैंक अकाउंट्स के, लेकिन आप अगर ध्यान से समझेंगे तो मुझे लगता है बैंक अकाउंट आपके लिए आसान हो सकता है। ये सम जो मैं आज आपको करवा रही हूँ, सम नंबर 33, दैट इज़ द लास्ट सम ऑफ योर बुक। ये बुक खरीदने की मेरी सिर्फ एक ही वजह थी कि मुझे लेटेस्ट सम मिले आस्क इन 22-23, राइट, और मुझे लास्ट में लेटेस्ट यूनिवर्सिटी के पेपर्स मिले। ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ, बट एनीवे द जो भी लेटेस्ट है, लेटेस्ट बुक के हिसाब से जो है नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी 2019, और ये सम गुजरात यूनिवर्सिटी 2005 में पूछा है। ये सम करवाने की वजह लेटेस्ट से ज़्यादा ये है कि इसमें बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट दोनों बनाने हैं। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने जो सम्स करवाए हैं उसमें आपको पीएनएल अकाउंट शेड्यूल वाइज डिटेल में बनाना सिखाया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी शेड्यूल्स के अंदर। उस वक्त भी मैंने कहा था और अभी भी मैं कह रही हूँ कि जब आपका सम में आपको दोनों ही चीज़ें विथ शेड्यूल्स बनाने की बोली हो, बैलेंस शीट एंड पीएनएल, तो उसमें क्या हो जाता है कि शेड्यूल्स के अंदर का कंटेंट कम हो जाता है, यानी कि ट्रांजेक्शन्स, इनकम एक्सपेंस जो भी है वो चीज़ें कम हो जाती है, क्योंकि आपको दोनों बनाने हैं और दोनों बनाने हैं विथ शेड्यूल्स। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ पर बैलेंस शीट और पीएनएल बनाना है, तो ये सम आपको लगे कि मैम इसमें तो कितनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, मतलब हर एक शेड्यूल में एक या दो से ज़्यादा कुछ है ही नहीं। वजह यह है कि आपको दोनों बनाने हैं, और जब आपको दोनों बनाने हैं तो आपके सम की लेंथ कुछ इस तरह से होगी कि आपको बैलेंस शीट बनानी है विथ शेड्यूल, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर बैलेंस शीट की डिटेल, आपको पीएनएल अकाउंट फॉर्म बी के हिसाब से, यहाँ पर शेड्यूल्स, यहाँ पर पीएनएल अकाउंट की डिटेल्स, राइट, यहाँ तक, और उसके साथ साथ आपको शेड्यूल्स भी बनाने हैं। आप जो शेड्यूल्स बनाएंगे तो शेड्यूल 1 से लेके जो बैलेंस शीट से शुरू होता है और आपका लास्ट शेड्यूल पीएनएल अकाउंट का होता है, दैट शेड्यूल नंबर 6 ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आपको वहां तक के शेड्यूल्स भी बनाने हैं। यानी कि अगर भले ही एक एक दो दो आइटम है शेड्यूल्स में, तो शेड्यूल 1 यहाँ से स्टार्ट होता है और शेड्यूल 16 यहाँ पर लास्ट में खत्म होता है। सो माई पॉइंट इज दैट कि जब आपको दोनों पूछे हैं बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट, तो आपका सम कंपैरेटिवली शॉर्ट है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, के हर एक में थोड़ा थोड़ा आता है, पर आपको आपका सम लिखने में बड़ा है, आपको उसको कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। और अगर आपको सिर्फ पीएनएल अकाउंट और सिर्फ बैलेंस शीट पूछे, ज़्यादातर चांसेस है पीएनएल अकाउंट पूछने के, तो उसमें ऐसा होता है कि कंटेंट ज़्यादा मिलेगा आपको, इसलिए आपको वीडियोज़ पुराने मेरे देखने पड़ेंगे जहाँ पर आपको अलग अलग शेड्यूल्स में अलग अलग चीज़ों में ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। कई बार पीएनएल के ऑप्शन में बैलेंस शीट पूछ लेते हैं, कई बार एक पीएनएल पूछा होता है उसके ऑप्शन में पीएनएल एंड बैलेंस शीट दोनों पूछते हैं, डिपेंड ऑन दी मार्क्स एज वेल। तो यहाँ पर ये सम है जिसमें आपको पीएनएल और बैलेंस शीट दोनों बनाने हैं और मैं दोनों विथ शेड्यूल्स बना रही हूँ, राइट। लेट्स रीड द फॉलोइंग आर द बैलेंसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्रोग्रेसिव बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। ये आपका 2018 की जो बैलेंसेज है वो दिया हुआ है, वो मैं नहीं पढ़ रही, मैं सीधा पढ़ रही हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। द फॉलोइंग प्रोविजन्स आर टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन एडवांस, ऑन लॉस असेट्स 80,000 एट 100%, ऑन सब स्टैंडर्ड असेट ₹2 लाख एट 10%। ये आपका एनपी है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जिसको डिविजन मतलब डिवाइड करते हैं, अलग अलग उसका क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें लॉस असेट पे आपको 100% आपका डाउटफुल डेब्ट्स है और सब स्टैंडर्ड में सिर्फ 10% है, तो आपको उस परसेंटेज के हिसाब से काम करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2 लाख। देन यू हैव स्टैचुटरी रिजर्व एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, स्टैचुटरी रिजर्व 20% है एज पर रिक्वायर्ड बाय लॉ। फ्रॉम द अबो इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट इन फॉर्म बी एंड बैलेंस शीट इन फॉर्म ए एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये इतना सिंपल लिख सकते थे पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, पर यहाँ पर इतना डिटेल लिखने की वजह ये कि बैंक अकाउंट है, यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से यू हैव टू प्रिपेयर योर पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट विथ शेड्यूल्स, और शेड्यूल्स को आपको डिटेल में दिखाना पड़ेगा। तो मैं आपको ये सम करवा रही हूँ, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहला सवाल कि मैडम सम कैसे शुरू करें, तो सबसे पहले पीएनएल बैलेंस शीट ड्रॉ कर दीजिए। अंदर के आपके जो भी इसके एलिमेंट्स है, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि भी शेयर कैपिटल का फर्स्ट शेड्यूल, रिजर्व एंड सरप्लस का सेकंड, डिपॉजिट का 3, बोरोइंग का 4। आप कंटिन्यूस उसको ऐसा हो तो लर्न कर ले। और कई बार क्या होता है कि सपोज आपके सब में बोरोइंग नहीं है, सपोज, तो बोरोइंग 4 डैश कर दीजिए, या तो फिर पूरा इसको निकाल दीजिए।
तो नेक्स्ट आपका फोर हो जाएगा, या तो फिर बोरिंग आपको ऐसा है कि नहीं मुझे तो एक ही चीज याद रखनी है कि शेड्यूल 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर 16 तक, तो लिख दीजिए और डैश कर दीजिए, अमाउंट नहीं है, है ही नहीं बोरिंग हमारे पास, समझ में आया। तो ये आपका एक आसान तरीका हो जाएगा टू रिमेम्बर दिस थिंग। और पीएनएल अकाउंट को खास करके, क्योंकि उसमें एक्सपेंसेस और इनकम बहुत अंदर अंदर डिटेल में है, तो उसके लिए आपको पहले वीडियो देख लीजिए ये मेरा पुराना, तो आपको वो बहुत इजी लगेगा। चलिए तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, इंटरेस्ट अर्न 22 लाख। रिमेम्बर स्टूडेंट, दिस इज अ बैंक, दिस इज नॉर्मल, ये एक नॉर्मल कंपनी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा पहला कि इंटरेस्ट अर्न 22 लाख, दैट इज अवर शेड्यूल नंबर 13, फर्स्ट इनकम, ये रहा इनकम इंटरेस्ट अर्न 13, हमारा शेड्यूल नंबर 13 ये रहा। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे शेड्यूल बनाए दिए इंटरेस्ट अर्न, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी इंटरेस्ट अर्न एंड दैट इज 22 लाख। तो यहाँ पर मैं अमाउंट में लिख रही हूँ 22 लाख। कैसा, तो इंटरेस्ट अर्न 22 लाख। नाउ द नेक्स्ट इज अदर इनकम 4 लाख। अदर इनकम अगेन योर पी एन एल अकाउंट अदर इनकम शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम, इसमें लिखेंगे हम अदर इनकम 4 लाख। अगर आप शेड्यूल्स याद कर लेते हैं और पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट में शेड्यूल्स इस तरह से लिख लेते हैं, तो फिर आपका काम बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। चलिए फिर नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेड 10 लाख। इंटरेस्ट पेड दैट इज योर एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेड शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट पेड, वही है इंटरेस्ट पेड और हमारा अमाउंट है 10 लाख। आप सबसे लास्ट में शेड्यूल का टोटल करेंगे, क्योंकि एक शेड्यूल में एक से ज्यादा चीजें हो सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस 7 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 7 लाख, ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है आपका, तो वो किस तरह से होगा, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका शेड्यूल नंबर 16 है, नाम वही है ऑपरेटिंग एक्सपेंस 7 लाख। After operating expense, we have capital. Capital is 5 lakh. This is capital. Capital in balance sheet. Schedule number 1. So, capital. Share capital. Schedule number 1. Capital is 5 lakh. Right? So, the next is capital. Mein ideally, hamesha ek hi hota hai. But better ki jagah chhod di jaye. Then we have reserve and surplus 4 lakh, reserve and surplus schedule number 2 4 lakh, balance sheet aur PNL mein abhi hum kuch nahi likhenge, abhi sirf hum schedules mein hi likhenge. Then we have the next is deposit, deposit is 30 lakh, number 3 deposit 30 lakh. Then next is borrowing is 2 lakh. So this is borrowing is 2 lakh. Then next is other liability and provision 3 lakh, other liability and provision 3 lakh. Then next is cash on hand and balance with RBI 5 lakh. Cash on hand and balance with RBI schedule number 6. Cash on hand. And cash on hand and balance with RBI schedule number 6 is 5 lakh. Right? This is borrowing, this is other liability, this is cash in bank. Now schedule 6 is done. Then we have this balance with other bank 3 lakh. Balance with other bank 3 lakh schedule number 7. Balance with other bank. Right? Then we have investment 4 lakh. This is investment 4 lakh. Then we have advances. Advances is 36 lakh. So our advances are 36 lakh, schedule number 9.
36 लाख मोस्टली इन सब में एक एक ही डिटेल होगी, इसलिए इस तरह से ही दिया हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दोनों ही चीजें आपको बनानी है। देन वी हैव फिक्स एसेट 4 लाख, शेड्यूल नंबर 10। अदरवाइज फिक्स एसेट सिर्फ बैलेंस शीट ही बनानी को बोली होती, इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ होता है। एंड द नंबर ऑफ फिक्स एसेट डिफरेंट नेम। देन वी हैव अदर एसेट्स 1 लाख, दिस इज अदर एसेट्स 1 लाख। दैट्स इट, हमारा सारा जो ट्रायल बैलेंस, हमारा जो बैलेंसेस दिया था वो हमने कर दिया है। अब आगे क्या करना है, तो नाउ वी हैव टू कंप्लीट द अदर इंफॉर्मेशन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन एडवांस। आपको जो डाउटफुल डेब्ट्स हैं आपके एडवांसेस के, दैट इज प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट जो है वो प्रोविजन एंड कंटिंजेंसी में आता है। पीएनएल अकाउंट में आपके प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट शेड्यूल नंबर 16 के बाद एक्स्ट्रा चीजों में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट आता है, जिसमें लॉस एसेट का 8 लाख का 80,000 का 100% यानी 80,000 इटसेल्फ, और 2 लाख का 10% यानी 20,000। तो ये 1 लाख रुपीज आपका प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट होगा, राइट। ये मैं इनर कॉलम में लिख देती हूँ क्योंकि हमको दोनों का टोटल लिखना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2 लाख, तो 1 लाख के नीचे 2 लाख लिख लेती हूँ क्योंकि वो डायरेक्टली दिया है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगी 3 लाख। सो दिस प्रोविजन एंड कंटिजेंसी, जिसमें प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 1 लाख, एंड कैसे है 1 लाख, तो 80,000 एंड 20,000, एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2 लाख इज गिवन, तो मैंने 3 लाख यहाँ पर बाहर लिख दिया है। तो ये आपकी एक्स्ट्रा चीजें हो गई। अब स्टैच्यूटरी एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, स्टैच्यूटरी रिजर्व जो है जो रिक्वायर्ड बाय लॉ का है, दैट इज अ 20%। आपका जो स्टैच्यूटरी रिजर्व है वो होता है 20%। तो 20% किस चीज का हमें लेना है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो भी प्रॉफिट आता है आप उसका 20% करेंगे। तो हमारा प्रॉफिट अभी आया नहीं है, इसलिए हम स्टैच्यूटरी रिजर्व को बाकी रखते हैं। इस तरह से हमारा प्रॉफिट आएगा और हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफर टू स्टैच्यूटरी रिजर्व 20%, जो भी आता है प्रॉफिट उसका हम लेंगे। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं बुक साइड में रख देती हूँ और हमारे सारे शेड्यूल्स को बंद कर देते हैं। शेड्यूल्स को बंद करने का मतलब है कि आपके शेड्यूल्स में अगर एक्स्ट्रा चीजें हैं तो वो हम लिखते हैं, अगर नहीं है तो नहीं लिखते। रिजर्व एंड सरप्लस को मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट भी आता है एंड ट्रांसफर टू स्टैच्यूटरी रिजर्व भी पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस है। तो शेड्यूल 2 में मैं वो चीजें नीचे ऐड कर दूंगी, डिपॉजिट, बोरोइंग, अदर लायबिलिटी, कैश ऑन हैंड। वी डोंट हैव एनी सेकेंड आइटम इन एनी शेड्यूल्स, हमारे पास कोई भी दो चीजें तो है ही नहीं किसी भी शेड्यूल्स में, सब में एक एक ही है। कंटिंजेंट लायबिलिटी शेड्यूल 2 नहीं है, मैं डैश कर देती हूँ, ठीक है। चलिए ये हमको सिर्फ यहाँ पे लिख देना है एज इट इज, जैसे कि किस तरह से लिखना है। तो ये आपका शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना है 5 लाख, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी शेयर कैपिटल 5 लाख, शेयर कैपिटल 5 लाख, समझ में आ गया ना। अगर आपको एक से ज्यादा चीजें तो आप उसका टोटल करके लिखेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल ये रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस को मैं 4 लाख नहीं लिखूंगी, मैं टोटल लिखूंगी। टोटल मतलब क्या, तो यहाँ पर पीएनएल अकाउंट भी आएगा और यहाँ पे स्टैच्यूटरी रिजर्व भी आएगा, और फिर जो दोनों ऐड होंगे उसका टोटल मैं लिख दूंगी, ठीक है। फिर शेड्यूल 3 डिपॉजिट, डिपॉजिट इज 30 लाख, तो शेड्यूल 3 डिपॉजिट इज 30 लाख। शेड्यूल 4 बोरोइंग, बोरोइंग इज 2 लाख, सीधा मैं यहाँ से लिख ही दे रही हूँ यहाँ से देख देख के। शेड्यूल 5 अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन, दैट इज 3 लाख। शेड्यूल 6 कैश एंड बैंक विथ RBI 5 लाख। शेड्यूल 7 बैलेंस विद अदर बैंक 3 लाख। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल 8 4 लाख। एंड देन वी हैव एडवांसेस, शेड्यूल 9 36 लाख। देन वी हैव फिक्स एसेट 4 लाख, एंड देन वी हैव अदर एसेट्स 1 लाख। हम बैलेंस शीट का टोटल अभी नहीं करेंगे, वजह मैं आपको बता दी, क्योंकि बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से नेट प्रॉफिट आएगा तो वो हमें लिखना है। शेड्यूल 13 इंटरेस्ट ऑन, दैट इज 22 लाख। हमें पता है कि पीछे की जितनी भी आइटम्स है वो एक एक ही है, तो मैं सीधा बुक में से ही लिख देती हूँ। कहाँ से लिखेंगे हम, शेड्यूल नंबर 13 से, 22/4/10/7, इंटरेस्ट ऑन अदर इनकम, इंटरेस्ट पेड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, राइट। सो अदर इनकम इज 4 लाख,
Then we have expenditure, interest paid. Interest paid is schedule 15, 10 lakh. Then we have operating expense. Operating expense schedule 16, 7 lakh. ये मैंने आपको सिखा दिया. सो टोटल ए इज 26 लाख. टोटल ऑफ बी यानी कि 20 लाख, 10, 7, 3, राइट. सो दैट इज टोटल ऑफ बी 20 लाख. अब हमें अगर प्रॉफिट चाहिए तो ए में से बी को माइनस करेंगे, यानी 26 लाख माइनस 20 लाख, सो इट्स 6 लाख. दैट इज योर प्रॉफिट. ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 6 लाख के 20% हम करेंगे, दैट इज 1,20,000. ये कहीं इसमें एड वगैरह कुछ नहीं होंगे. ये जो स्टेचुटरी रिजर्व में हम ट्रांसफर करेंगे 1,20,000, ये 1,20,000 हम यहाँ पर दिखाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस में, और प्रॉफिट हम दिखाएंगे 6 लाख, राइट. यानी कि अगर हम तीनों का टोटल करें तो रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख, आपका जो स्टेचुटरी रिजर्व 1,20,000 एंड प्रॉफिट इज 4,80,000. सॉरी, वाई इट इज 4,80,000, क्योंकि 6 लाख जो भी आपका प्रॉफिट है उसमें से 1,20,000 आपका स्टेचुटरी रिजर्व माइनस हो जाएगा, तो आइडियली आपका नेट प्रॉफिट होगा 480, वरना ये दो बार आएगा, राइट. तो यहाँ पर 480 एंड 120. अब हम इन तीनों का टोटल जो है 4 + 4 + 1, 9 and 10, जो 10 लाख है वो हम दिखाएंगे हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में. तो रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल नंबर 2, 10 लाख. ओके, सो नाउ एनपी क्लोज, क्लोज दी बैलेंस शीट. तो अगर हम बैलेंस शीट का टोटल करें लायबिलिटी साइड और असेट साइड्स का, तो यहाँ पर हमारा टोटल आता है लायबिलिटी साइड का 53 लाख और असेट साइड का भी 53 लाख, राइट. इट्स अ वेरी सिंपल सम. बैंक अकाउंट ज़्यादा बच्चे ज़्यादा डर गए हैं. अदरवाइज दिस ईजीएस्ट चैप्टर इन कॉरपोरेट अकाउंटिंग. हाँ, अभी इससे भी ईजी है अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज. जब लास्ट जो सेमिस्टर था जिसमें चेंजेस नहीं आए थे, उसमें मैं ये कहती थी कि ईजीएस्ट वन इज बैंक, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, शेयर्स, बैंक एंड लिक्विडेटर्स. तो ईजीएस्ट ये है. अब आपके पास प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज, ये सब बहुत आसान है. और ये भी आसान है, टफ में मैं नहीं बोलूंगी, बट जिसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दैट इज लिक्विडेटर. मुझे पता है एक भी वीडियो नहीं है, बट आई नीड अ टाइम फॉर दैट, एक्चुअली टू बी वेरी सॉरी फॉर दैट. नाउ ये आपका बैंक अकाउंट का लेटेस्ट सम है, लेटेस्ट बुक के अंदर, जो एक्चुअली लेटेस्ट नहीं है किसी भी एंगल से. कुछ भी इसमें अगर आपको डाउट्स है तो यू कैन ऑब्वियसली आप करते ही हैं कमेंट्स करिए, आई विल हेल्प यू. चले तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन एवरीवन, बाय बाय.